अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम अगेन टू स्पूनफुल विद हेरा। सबको रमज़ान मुबारक। आज मैं रेसिपी, एक रमज़ान की मेन रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट हर घर में लाजमी बनते हो गए। मैंने थोड़े से फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसके अंदर दो अमरूद हैं, दो सेब हैं, दो केले हैं, दो तीन खजूर हैं, स्ट्रॉबेरीज है, बादाम वगैरह ले ली थोड़ी डिश में। इनको वॉश कर ले सही तरह, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगली वीडियोस मेरी मिलती रहे। अब मैं जल्दी 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 सारी फ्रूट्स को चॉप कर लूँगी। जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं ये, अपना हाथ बचा के थोड़ा चॉप करिएगा। एक प्याला ले लें, उसमें जल्दी जल्दी डालते हैं इस सारे फ्रूट्स को, स्ट्रॉबेरी को डालते हैं। सारे फ्रूट्स जो मीठे होते हैं, तो इसलिए मैंने चीनी नहीं ऐड की, थोड़ी सी मैं शहद ऐड कर दूँगी इसके अंदर, कि फ्रूट्स पहले से मीठे होते हैं। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, ये हर घर में लाजमी बनती है। ये मैंने इसलिए मैं ये लाई हूँ कि ये बहुत सिंपल है, ये हर घर में आसानी से चीज़ें अवेलेबल होंगी, या ये हर कोई रास आप जो फ्रूट्स आप ऐड कर लें इसके अंदर। अब इसके अंदर आप ये शहद ले लें, और मैं इसमें लेमन, मेरे पास ऑरेंज था, मैंने ऑरेंज डाल लिया, लेकिन आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। लेमन हाफ लेमन ले लेंगे, मैं आप टेबल स्पून मैंने चाट मसाला डाला है, और चाट मसाला डाल के इसको सही तरह मिक्स करके बस पे गार्निश कर लिया। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।